तो हमने इससे पहले आपको बताई थी कि इन्वर्टेड जंक्शन क्या होता है, जो आज की हमारी 16 नंबर की जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि डबल इन्वर्टेड जंक्शन क्या होता है, कि इसका प्रयोग बहुमंजिली इमारतों में साथ साथ अपनी इमारतों में किया जाता है। क्या बताया कि इसका प्रयोग बहुमंजिली इमारत के साथ साथ बनी इमारतों में किया जाता है, ताकि दूसरी तरफ बनी इमारतों के लिए अलग से पाइपलाइन लगानी न पड़े। अतः इसमें दोनों तरफ दो भुजाएं होती हैं, ताकि आसानी से एंटी साइफन पाइप लाइनों को मिलाया जा सके। जैसे ये दो पाइपें हैं, इधर भी इधर भी, इन दोनों को मिलाने के लिए हमें एंटी डीप साइफन का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, नरेश सर आईटीआई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को आप पूरा देखें, ताकि आप लोग जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो सैनिटरी फिटिंग के बारे में जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सैनिटरी फिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फिटिंग होती है। जब मकान बनाते हैं तो उसके बारे में जितनी भी सैनिटरी फिटिंग का प्रयोग किया जाता है, हमने एक एक करके सभी फिटिंग्स के बारे में आपको वीडियो बना करके इस चैनल के ऊपर भेज दिया गया है। आप लोगों को जिस भी सैनिटरी फिटिंग की जानकारी लेनी है उसी का आप नाम लिखिए, पीछे नरेश राय के लिखिए, तो आपको उसी की जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इन्वर्टेड डोर जंक्शन क्या होता है। ओके, थैंक यू।